हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यंगस्टर मधुनिया पर फिर एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं अभी जा रहा हूं झारखंड की राजधानी रांची। तो इसमें आपको जैसा भी होगा मैं आपको सब दिखाऊंगा। तो अभी फ़िलहाल रात के 12 बज रहे हैं, अभी फटाक से मैं रेडी हो गया हूँ और अभी जाता हूँ स्टेशन। 2 बजे की ट्रेन है। वीडियो में बने रहे दोस्तों, मैं आपको सब कुछ वीडियो में दिखाने वाला हूँ। क्या कि क्या किधर से जा रहा हूँ, क्या कहाँ जा रहा हूँ, आपको बहुत कुछ इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है, तो वीडियो में बने रहे। अभी मैं बोकारो स्टील सिटी रेलवे स्टेशन पहुँच चुका हूँ। अभी मुझे यहाँ से ट्रेन का टिकट लेना है और फिर यहाँ से निकल जाना है। मैं अपना टिकट कटाकर ट्रेन में बैठ चुका हूँ और रांची के लिए रवाना हो गया हूँ। तो इस वीडियो को देखते रहिए, आपको इस वीडियो में बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। मैं रांची पहुंच चुका हूं। ये रांची का हटिया स्टेशन है और पूछता हूं किसी ऑटो से जाने के लिए। टिप्पू देना 100 रुपये होगा, छोड़ दें। नहीं, तू कहाँ जा रहे? मैं टिप्पू देना जा रहा हूँ। 100 रुपया लगेगा। मैं बोले भाई रिजर्व में नहीं जा पाएंगे भाई। 100 रुपये में तो बोकारो से रांची पहुँच गए। 100 रुपया में यहाँ से अगर 5 किलोमीटर लेके जाएगा तो फिर हो गया। 5 किलोमीटर तो पैदल मार दूंगा। मैं अभी यहाँ पे हटिया स्टेशन पे उतर चुका हूँ, वहाँ से बाहर निकल चुका हूँ और ये आपका है स्टेशन। वहाँ से मैं निकल चुका हूँ और यहाँ से मुझे जाना है टिप्पू दाना। तो यहाँ से डायरेक्ट ऑटो नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए मुझे हटिया मेन रोड है, थोड़ा सा आगे में है, वहाँ पर जाना पड़ेगा और वहाँ से ऑटो मिल जाएगा। यहाँ से ऑटो मिल रही थी लेकिन शेयर ऑटो नहीं मिल रहा था, उस फुल रिजर्व करके जाना पड़ रहा है। तो ज़्यादा दूरी नहीं है, करीब यहाँ से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो उसके लिए वो मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए सोचा कि मैं थोड़ा देर पैदल चल जाता हूँ। यहाँ से ऑटो मिल जाएगा। एक ऑटो वाले भैया ने बोला था कि आपको थोड़ा देर आगे अगर जाइएगा तो वहाँ से आपको ऑटो मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे तो बहुत सारी ऑटो खड़ी हैं। आगे में और थोड़ा सा आगे बोले थे आने के लिए, तो और आगे जाके देखते हैं। और अभी सुबह का समय है तो यहाँ रांची में तो थोड़ा ठंड रहता ही है, बोकारो में इतना ज़्यादा ठंड नहीं रहता है। कल जब बोकारो से मैं आया तो वहाँ पे कम ठंड लग रहा था, लेकिन अभी इस समय रांची में बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है। तो बोकारो से ठंड लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। मुझे एक मेन रोड दिखाई दे रहा है, तो उसमें जाके मैं देखता हूँ कि क्या यही मेन रोड है जहाँ से ऑटो मिलता है। तो जाके देखता हूँ यहाँ से, और थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। ये वो मेन रोड नहीं है, यहाँ से करीब, यहाँ से दिख रहा है करीब 50-100 मीटर जैसा लग रहा है, वही मेन रोड है। टिप्पू जाना चलिएगा।
फाइनली मैं तुपुदाना पहुंच चुका हूं। यहाँ का काम हो गया, अब यहाँ से घर के लिए मैं निकल रहा हूँ। यहाँ से रांची से ट्रेन है तो रांची से चलूँगा घर बोकारो। मेन रोड में यहाँ से जाके ऑटो पकड़ना है। अब वक्त आ गया है यहाँ से रांची से अलविदा लेने का। यहाँ रांची जंक्शन में पहुँच चुका हूँ। अब मैं रांची जंक्शन अंदर जाने वाला हूँ।
फाइनली मैं बोकारो स्टेशन पहुंच गया हूं, बोकारो स्टेशन से बाहर भी निकल चुका हूं। अब ऑटो पकड़ के जाना है चास, उसके बाद तो दोस्तों आप लोगों को आज की ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।